हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो हाल ही में केरला में जो चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन, उनकी सरकार यानी कि एलडीएफ की सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव किया गया था ऑपोजिशन के तरफ से, लेकिन पिनारई विजयन जो थे वो बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हराया है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है और इसका प्रोमिनेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितना है। सबसे पहला कि एक मोशन होता क्या है, इससे पहले कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जाने, हम जानेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक मोशन कहते किसे हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इट मींस एनी फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग अ डिसीजन ऑफ द हाउस, यानी कि कोई भी सदन के मेंबर, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो कोई भी मेंबर जो है वो एक फॉर्मल प्रपोजल मूव कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि इसके ऊपर हाउस का डिसीजन क्या है या फिर हाउस फला चीज के बारे में, फला कॉन्सेप्ट के बारे में सोचती क्या है और वो करना क्या चाहती है। If adopted or voted, it amounts to expressing the will of the House. यानी कि उसे वोटिंग किया जाता है, जो कोई भी मोशन रखा जाता है उसे वोट करते हैं तमाम जो जितने भी मेंबर सदन के होते हैं, और अगर वोट जो है वो पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब कि दे आर इन टैंडम विद द डिसीजन, अगर नहीं तो वो इसके खिलाफ हैं। एनी मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस कैन बी सब्जेक्ट ऑफ मोशन, मोशन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी प्रपोजल जो है वो आप रख सकते हैं, रिलेटेड टू स्कीम हो, पॉलिसी हो या फिर कोई अदर डिसीजन हो या फिर कोई मोशन ऑफ थैंक्स वगैरह हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जनरल इंपॉर्टेंस का टॉपिक हो, आप वहां पर भी एक मोशन पास कर सकते हैं। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जैसे कि हमने देखा कि मोशन जो है वो प्रपोजल होता है, तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है। इट कैन बी मोड ओनली इन लोकसभा, जब तक हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रल की बात करते हैं, इट कैन बी मोड ओनली इन लोकसभा, और जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट असेंबली में ही इसे मूव किया जा सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल में। If the government has to demonstrate its strength on the floor of the house, it can have a motion of confidence. देखिए, ये opposition और opposition दोनों move कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई chief minister है, वो चाहते हैं कि वो demonstrate करें अपना strength floor पर कितना है, तो तब जो है वो motion of confidence move करते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि हमारा strength कितना है सदन में, जो है हमारे ऊपर confidence कितना है। However, the opposition parties or any member can move a motion expressing the want of confidence, no confidence in the council of ministers, यानी कि position जो है, यानी कि power में जो है सरकार जो है, chief minister जो है, वो अपना power दिखाने के लिए floor पर वो confidence motion move कर सकते हैं, pass करवा सकते हैं। और दूसरी जगह जो है वो opposition parties या फिर कोई other member, अगर वो चाहते हैं ये जानना कि आपके पास स्ट्रेंथ कितना है, जो एग्जिस्टिंग सरकार जो चीफ मिनिस्टर के तहत काम कर रही है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका स्ट्रेंथ कितना है, मैं वो जानना चाहता हूं या फिर हम वो जानना चाहते हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव कर सकते हैं, वो चाहे चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो या फिर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ हो। देखिए, एक बार अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो चाहिए कि उस सरकार को रिजाइन करे और एक नई सरकार जो है वो बनाई जाए। नो कॉन्फिडेंस प्रोसीजर, तो इसका प्रोसीजर क्या है। The speaker's permission is required first and the motion has to be supported by at least 50 MPs. तो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जब इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहला स्पीकर का परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, और ये मोशन ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं किया जा सकता, कोई भी जो है इसे मूव कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट 50 MPs का इसका सपोर्ट होना चाहिए। Sometimes the speaker can refuse to admit the motion too, as in the previous budget session. तो हाल ही में previous budget session में Prime Minister नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक no confidence motion introduce करने की कोशिश की गई थी, तो speaker ने उसे खारिज किया हुआ था। तो speaker is the ultimate authority, वो चाहे तो refuse भी कर सकते हैं। The speaker then sets a day or days within the next 10 days and also alerts time for members. तो discussion के लिए time दिया जाता है, no confidence motion के लिए voting करने के लिए भी adequate time दिया जाता है। दोस्तों, आज का नॉलेज बूस्टर। सो फार 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन मूव्ड इन लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस। तो अब तक यानी कि 1947 से लेकर 2020 तक कुल मिलाकर जो है वो 27 नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो है वो मूव किए गए हैं। आचार्य कृपलानी मूव्ड द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू इन ऑगस्ट 1963, इमीडिएटली आफ्टर इंडिया चाइना वॉर। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, साइनो इंडियन वॉर जिसे कहते हैं। तो आचार्य कृपलानी जी ने पंडित नेहरू जी की सरकार के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया हुआ था लोकसभा में, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को ईजिली जो है वो क्रॉस किया हुआ था और उन्होंने जीत हासिल की हुई थी। इंदिरा गांधी एज़ प्राइम मिनिस्टर फेस्ड द मोस्ट नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट इज 15। तो सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के खिलाफ किए गए थे, जो कि 15 टाइम्स थे। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।